अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको चिकन करी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन कड़ी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, ठीक है, और उसको ऐसे काट लिया है और साफ़ धो लिया है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसके लिए जो मसाले चाहिए वो मैं बता देती हूँ। हसबे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा, ये तमाम मसाले आप लोग देख रहे हैं, ये हम इसमें जो है डाल देंगे। और इसमें हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी मिक्सिंग होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने चिकन में जो है मसाला मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। लेमन जूस एक बड़े साइज़ का मैंने लेमन ले लिया और उसका ऐसे जूस निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आएगा। और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 3 से 4 घंटे रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी मैरिनेट करके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके तकरीबन मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो 1 घंटा वेट करते हैं। 1 घंटा हो चुका है, अब हम मसाला भूनेंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया और उसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। प्याज का तकरीबन चेंज होने लग गया है कलर, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ठीक है, 4 अदर टमाटर हैं ये मैंने डाल दिए। दूसरी तरफ जो है आप लोग देख सकते हैं हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था 1 घंटे पहले, इसको भी पकने के लिए रख देंगे। एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया और इसमें हम लोग इस चिकन को डाल देंगे। थोड़े से ऑयल में इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और एक तरफ हम मसाला भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार होगी चिकन की, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और ये अपने पानी में पक जाएगी। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मसाला हमारा भुन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। ये इनकी क्वांटिटी कम इस वजह से रखी है क्योंकि चिकन को ऑलरेडी हम लोगों ने मसाले लगा के रखे थे, इस वजह से। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ज़बरदस्त हमारा ये तैयार होगा। दूसरी तरफ हम अपने चिकन को भी देख लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि चिकन को मैंने कवर कर दिया था और इसने अपना ही पानी छोड़ दिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। 5 मिनट में ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 5 मिनट इसका पानी खुश्क होने तक वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चिकन हमारी जो है पक चुकी है अच्छी तरह से। इसके पानी को जो है वो खुश्क होने देना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने चिकन को पकाया है वो डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हुई हैं, बहुत ही अमेजिंग।
और बहुत ही खुशबूदार ये हमारी तैयार होगी। ठीक है, ये तमाम चिकन मैंने ऐड कर दी है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे अब हरी मिर्चें और हरा धनिया। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड किया करें, इसे बहुत ही खूबसूरती आती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम लोग ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन तो हमारी गल चुकी है। तकरीबन 5 मिनट हम पकाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए इसमें आप लोगों के सामने पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट वेट करते हैं ताकि 5 मिनट में हमारी जो है चिकन करी तैयार हो जाए। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी चिकन करी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फाइनल लुक आप लोगों के सामने, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया बहुत ही इसमें खूबसूरती लाता है, तो आप लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से हमारे जो है चिकन करी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।